हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, राम राम सा। मिनल्स किचन में आपका स्वागत है। आज मैं मैंगो एसेंस वाली सेवइयों की खीर बनाने जा रही हूँ। आप चाहो तो नॉर्मल सेवइयां भी ले सकते हो, बट यहाँ पर मैंने मैंगो एसेंस की ली है। अगर आपके घर पे कोई गेस्ट आ जाए और आपको कुछ मीठा बनाना है तो आप क्या बनाओगे? बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाएगी और बहुत ही जल्दी बन जाएगी ये रेसिपी। तो देखते हैं हम इसको कैसे बनाते हैं, इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए और इसको कितना टाइम लगता है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। मैंगो एसेंस सेवइयां बनाने के लिए हमने 1 कप सेवइयां ली है, ड्राई फ्रूट्स लिए हैं थोड़े, 2 इलायची का पाउडर लिया है, 3/4 कप शुगर ली है और 1 लीटर दूध लिया है। तो सबसे पहले हम दूध को अच्छे से गर्म करेंगे जब तक कि इसमें उबाल नहीं आ जाता। फ्रेंड्स, दूध में उबाल आ चुका है। अब हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे और मैंगो एसेंस की सेवइयां डालेंगे और इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। ये दूध लगभग आधा हो जाना चाहिए, तब तक हमें इसे गर्म करना है और बीच बीच में इसे हिलाते रहना है। फ्रेंड्स, ये हमारी वर्मिसेली खीर लगभग आधी हो चुकी है। अब हम इसमें शुगर डालेंगे और ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और शुगर मेल्ट होने तक इसे हम अच्छे से मिक्स करते रहेंगे, तब तक हमें इसे चला के रखना है। फ्रेंड्स, इसमें शक्कर अच्छे से घुल चुकी है, इसे हमने 2 मिनट तक चलाया है। अब हम इसका गैस बंद कर देंगे। ये पूरी तरह से तैयार है खाने के लिए।